9 अगस्त की बैठक में भी इस बात को कह चुका था कि अगर कोई सरकारी डॉक्टर रैबिट प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाएगा तो FIR लॉन्च होगा और कार्रवाई होगी। सिर्फ ये यूपी का मामला नहीं है, ये नेशनल ट्रेजेडी है और ये एक प्रकार हिंदुस्तान का जो आज हेल्थ केयर सिस्टम है उसका एक चिन्ह है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को गोरखपुर का दौरा किया। इस दौरान राहुल गांधी ने BRD मेडिकल कॉलेज में मृत बच्चों के परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने BRD मेडिकल कॉलेज हादसे को गवर्नमेंट मेड ट्रेजेडी करार देते हुए सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया और सब लोगों ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके बच्चों की मृत्यु हुई है। काफी परिवारों को पंप दिया गया, उन्होंने घंटे पंप चलाया, अंबु बैग चलाया और ये काफी क्लियर है कि ये गवर्नमेंट मेड ट्रेजेडी है। मैं पहले आया था इस अस्पताल में और आपसे बात करते हुए, प्रेस से बात करते हुए मैंने कहा था, मोदी जी से कहा था कि मोदी जी इस अस्पताल में पैसे की जरूरत है, बहुत कमियां हैं अस्पताल में और कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है कि ऑक्सीजन की कमी लापरवाही के कारण ये हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर को कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए लोगों पे। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के विजन न्यू इंडिया पर निशाना साधा और कहा कि अगर ये न्यू इंडिया है तो उन्हें ऐसा न्यू इंडिया नहीं चाहिए। सिर्फ ये यूपी का मामला नहीं है, ये नेशनल ट्रेजेडी है और ये एक प्रकार हिंदुस्तान का जो आज हेल्थ केयर सिस्टम है उसका एक चिन्ह है और इस प्रकार से काम नहीं किया जा सकता है। मोदी जी न्यू इंडिया की बात करते हैं, ऐसा न्यू इंडिया हमें नहीं चाहिए। हमें वो इंडिया चाहिए, वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें अस्पताल चलें और जिसमें लोग, गरीब लोग अपने बच्चों को अस्पताल में ले जाएं और खुशी से लौटें, वैसा इंडिया चाहिए। ये न्यू इंडिया हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद। बता दें कि गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 70 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद योगी सरकार निशाने पर है। बता दें कि शनिवार को ही योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से स्वच्छ यूपी और स्वस्थ यूपी कैंपेन की शुरुआत की थी और जहां उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि युवराज सफाई का महत्व नहीं समझ सकता। NMF न्यूज की रिपोर्ट।